ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। इन घटनाओं से चलता है पता कि घर में राहु का है कितना बुरा असर। राहु की परछाई हो, राहु की क्रिया हो, प्रतिक्रिया हो, राहु से हर एक व्यक्ति इस युग में परेशान है। तो आप कैसे जानेंगे कि आपके घर में राहु का प्रभाव है? वो कौन से संकेत हैं जो हमें मिल रहे हैं, या वो कौन सी घटनाएं जो हमारे जीवन में हो रही है जो राहु की वजह से हो रही है? बहुत सारे जातकों को तो ये पता ही नहीं होता है कि राहु की वजह से हमें इतनी सारी परेशानियां फेस करना पड़ रही है। तो जानिए उन परेशानियों को, उन समस्याओं को, और यह भी जानिए कि अगर ये समस्या आपके साथ हो रही है तो इसके क्या प्रयोग है, कौन सी उपाय है जिन्हें करने से ही बहुत आसानी से आप राहु के प्रभाव से बाहर आ सकते हैं। राहु सामान्यतः जो है वो एक पापी ग्रह है और जो हमेशा दुख के साए में व्यक्ति को रखना चाहता है। इसका प्रभाव जीवन पर बहुत बुरा होता है और यह एक छाया ग्रह है। इस ग्रह की वजह से व्यक्ति के जीवन में जितनी सारी उन्नति होती है वह नहीं होने देता है। राहु की अशुभता होने पर इंसान दुख और तकलीफ से गुजरना पड़ता है, और अगर राहु शुभ हो जाए तो राजा जो रंक है उसे राजा बना देता है। राहु की अशुभता होने पर कई सारी घटनाएं हमारे जीवन में होता है। घटनाएं ऐसी घटित होती है कि जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कठिन परिश्रम के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती, बार बार हम सफलता के पास जाकर वापस आ जाते हैं, यही राहु का प्रभाव है। पैसा नहीं टिकता है, और जो पैसा हमारे पास होता है तो धन के औचक इतने सारे खर्च आ जाते हैं अचानक से, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होगा। आमतौर पर किसी भी व्यक्ति के पास धन नहीं टिकता है, लेकिन हमारे साथ धन आता तो है लेकिन न टिकता है, और ऐसे रास्ते बन जाते हैं। अपनी लाइफ को 6 महीने साल भर जो बीते उसको एक बार ऑब्जर्वेशन करें कि कुछ पैसे आए और उससे पहले एक बड़ा खर्चा आ गया, और ऐसा एक बार हो तो ठीक है, ऐसा बार बार हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां राहु से जुड़ी हुई है। घर में तनाव हमेशा बना रहना, सदस्यों में आपसी विवाद हमेशा बना रहना, पूजा पाठ में मन बिल्कुल ना लगना, घर में लाल चींटियों को एक कतार में देखने को मिलती है, घर में आलस्य का वास हो जाता है, कुछ काम करने में मन नहीं लगता, घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है खराब होने लग जाते हैं, साथ ही साथ दिमाग में गलत विचार चलने लग जाते हैं, तनाव बहुत महसूस करना शुरू कर देते हैं, और मन में एक अज्ञात डर हमेशा बना रहता है। यह होना राहु से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा प्रभाव है। अब क्या उपाय करना है उन्हें भी आप इस वीडियो में समझ लीजिए। सबसे पहला, राहु को शांति करवाएं। राहु की शांति करवा सकते हैं आप हमसे भी करवा सकते हैं, राहु के जप करवाएं वो भी आप हमसे करवा सकते हैं, साथ ही साथ अभिमंत्रित रुद्राक्ष कम से कम 11 लाख महामृत्युंजय मंत्र से अभिमंत्रित रुद्राक्ष को आपके गले में जरूर पहने। अगर आप वो रुद्राक्ष चाहते हैं तो वो भी हमारे पास उपलब्ध है, आप स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। पशु पक्षियों को अनाज और 5 प्रकार के धान अवश्य रूप से खिलाएं, दिव्यांग वृद्धजनों की मदद करें, गायों की सेवा करें, और जो नीर आश्रित बच्चे हैं उनकी मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।